बहुत अच्छा लग रहा है और सभी कार्यकर्ता ने बड़े जोश खरोश के साथ जगह जगह स्वागत किया है। यूपी गेट से लेकर यहाँ तक बहुत उत्साह लोगों में नज़र आया है और इसके कारक सबसे बड़े हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को दलित, जो दलित समाज से आता है, उसको एक मिनिस्टर बनाने का काम किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए। हमारा समाज तो कातर रोम रोम कर्जदार हो गया आदरणीय जयंत चौधरी जी का। और मुझे लगता है जिस प्रकार हमारे लोगों ने वहाँ से लेकर यहाँ तक इस जोश खरोश से, इसमें जो स्वागत कार्यक्रम था, इस प्रकार उन्होंने भागीदारी की है, ये एक बड़ा मूवमेंट है। ये निश्चित रूप से जो है एक बदलाव है। और बहुत दिन से हमारे लोग जो है एक सूखा झेले थे राजनीतिक रूप से 2012 के बाद से, तो आज उनका भाई जो है कैबिनेट के रूप में आया है, तो निश्चित रूप से सभी लोग जो है वो मजबूती से आपके भाई के माध्यम से एनडीए को मजबूत करेंगे। सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं और हम 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का काम करेंगे और विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो हम क्लीन स्वीप करेंगे। दलितों को पहली बार दलित कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उसके लिए क्या कहेंगे? पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी इस काम को करने में नाकाम रही जी। राज्य मंत्री तक के बाद में फुल स्टॉप लेता, लेकिन पहली बार आदरणीय जयंत चौधरी जी ने ये बहुत बड़ा एहसान हमारे वर्ग पे किया है कि उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम किया है, ना पहले कभी नहीं बना था आज तक। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी काम है। लोकसभा चुनाव में किस तरह जिम्मेदार रहेगी बाप पे? जिम्मेदारी सबकी है, सबकी बराबर जिम्मेदारी रहेगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी का और हमारा गठबंधन है, उनका संगठन हमारा संगठन मिलकर काम करेगा, ठीक है। और जो है एक और एक गहरा हो जाते हैं, मजबूत ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम लोग जो है सारी सीटें जीतेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जिसका अंतर भी हजारों में नहीं लाखों में होगा। पहले दलित वोट बैंक बीजेपी का खिसक था, लेकिन अब आपको कैबिनेट मंत्री बनाया, तो कितना लाभ मिलने वाला है इस बार? 100% लाभ मिलने वाला है। रिजल्ट जो है 100% लाभ मिलने वाला है। उसका रिजल्ट हर प्रत्याशी का, एनडीए का हर प्रत्याशी का रिजल्ट जो है जीत होगी, सर्टिफिकेट लेकर आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।